मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है? सर, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स में नहीं होते, इसलिए मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं। फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में सेम रीडिंग कब होती है? -40 डिग्रीज पर। डिफाइन फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट? न्यूटन। प्राइम नंबर जानते हो? जी सर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ। सर, प्राइम नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे? सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? सर, 1789 से 1799 तक। मोटो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? मोटो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रटर्निटी। 2020 के समर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? सर, टोक्यो जापान। ग्लास में भरे पानी का वॉल्यूम कैसे निकालो? सर, पानी के हाइट को पाई आर स्क्वायर से गुणा करके। मैडम चल। पढ़ा लिखा तो हम है नहीं, क्या बोलेंगे? डोंट वरी, तुमसे किताबी सवाल नहीं पूछेंगे। आइए चलो। कितने बच्चे हैं आपके? बस यही एक, बुलबुल कुमार। आप और क्या करती हैं? स्टील बर्तन का फैक्ट्री में बफिंग का काम करते हैं, डेली 8 घंटा। मगर बुलबुल को पढ़ाई छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं। बुलबुल को कभी ट्यूशन कोई कोचिंग दिलवाया है आपने? नहीं, वो कभी लेता ही नहीं। तो वो तो खुद ही पढ़ता है, शंभू जेबा रतन मुनिया सूरज खलिया बस्ती का सब बच्चा लोग को ट्यूशन देता है। स्कूल की फीस के बारे में वगैरह पता है आपको? हाँ, हम सब कर लिए हैं, वो फीस ड्रेस किताब कॉपी एडमिट चार्ज सब कर लिए हम, कोई डिफॉल्ट नहीं होने देंगे साहब। मैडम, ये रिक्शे वाले का बच्चा है फ्रॉम द स्लम्स, और मदर तो लेबर का काम करती है बर्तन फैक्ट्री में, आप कैसे उसे? तो उसमें गलत क्या है? मेहनत करते हैं वो लोग। And the child is brilliant and well behaved. और आप लोग confident हैं? अच्छा perform करेगा? मैम, ये लड़का merit list में आ सकता है। Will you please stand up and introduce yourself? Sir, my name. I asked you to stand up, please. Sir, my name. Louder, please. जी, my name Sir Bulbul Kumar. Oh, so we have a student conferred with knighthood right here in the class. Honored to have you, sir. So where were we with Samuel Taylor Coleridge? Day after day, day after day. Day after day, day after day. We stuck, nor breath, nor motion. We stuck, nor breath, nor motion. As idle as a painted ship. As idle as a painted ship. Upon a painted ocean. Upon a painted ocean. Water, water everywhere. Water, water everywhere. Not a drop to drink. Not a drop to drink. Why has the management decided to take you in this class in the middle of the term? Your board exams are coming up in a few months. You haven't even read the English books prescribed for CBSE course. And your grammar is poor to say the least. What on earth is wrong with the management? क्या ये? अंग्रेजी हिंदी शब्द शब्द शब्दकोश। अरे यार, डिक्शनरी है ये। ये प्रदीप, ये तेरा बैग है ना, देख। हाँ यार, मैंने फेंक दिया था, इसके डैड ने उठा लिया, बट इट्स ओके। यार रियली में तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हम लोग उसी में तो स्कूल आते हैं। तो यहाँ कैसे, मतलब सफायर में? हमारे स्कूल में ही क्यों? बापू कहते यही है आगे बढ़ने का रास्ता, नरक से निकलने का रास्ता। वाओ, पेपर में आया था,
ड्राइवर का बेटा मेडिकल क्लियर कर गया। अरे रिजर्वेशन में होगा। तुम क्या करोगे? इंजीनियरिंग, MBA? अरे ये सब सपने हैं मुंगेरी लाल वाले। तो क्या आप ही लोग को सपना देखना अलाउड है? देखो यार, तुम भी देखो, खूब सपने देखो, टाइम से उठ जाना मगर। माय मम्मी। चलो चलो, चलो। आजा। अरे ये कौन बैठा है सीट पर? ये कौन है ये? वो सीट खाली था, मिस्टेक से बैठ गया। वो स्टूल पर बैठता है नीचे यहाँ। सफायर का ड्रेस पहन लिया तो क्या माथा पर बैठेगा? अपना औकात भूल गया रिक्शा वाला। माफी। उतरो बेटा नवीन, नहीं जाना इसमें। माफी कर दीजिए, वो बस ब्लंडर कर दिया हमारा बच्चा। नीचे बैठ। आप चलो, हम पैदल पहुंच जाएंगे। नहीं बेटा, वो नीचे बैठना है, बस सीट पर नहीं बैठना है ना। बच्ची एक्सप्रेस से पहले पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट से। बेटा आप इधर आए। सॉरी हो गया। अरे यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। सॉरी हाजू। मैक्स इज इक्वल टू 15। वेरी गुड, गुड। सर हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू। सॉल्यूशन 2, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। We will multiply this by 3. ठीक है बोलो। दी, हम तुम्हें इंग्लिश सिखाएंगे और तुम हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। What rubbish? That's not fair. एक के बदले तीन की। It's a deal, पांडे जी। साहब, ये बुलबुल की वालदा है। कहाँ है बुलबुल कुमार के पिताजी? पता नहीं साहब, 8 दिन हो गया, लौट कर वापस नहीं आए काम पर से। पहले भी कभी ऐसे गायब हुए थे? नहीं साहब, लेट हो जाते थे एक आध बार, पर देर सवेर रात तक वापस जरूर आ जाते थे। न जाने कहाँ चले गए। हम थाना, अस्पताल, सभी जगह ढूंढ रहे हैं। चिंता मत करो, मिल जाएगा, खोज लेंगे हम। बुलबुल कुमार का यही है साहब, परेशान है वो भी, कोचिंग नहीं लगा उसका, तो कर रहा है अपने से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन हुआ पी अपॉन एच। बुलबुल भैया चाचा को खोजने आए। पानी का केमिकल फॉर्मूला बताओ। H2O। और नमक का? NaCl। चीनी? C2L H22 O11। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे सर, बस हमारे बाबूजी को खोज दीजिए। खोज देंगे। साइन बीटा इज इक्वल टू 2 sin alpha + beta अपॉन 2 cos alpha - beta अपॉन 2। तुम अपने पिताजी की चिंता छोड़ दो, हम पता लगा लेंगे उनका। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा टाइम नहीं बचा तुम्हारे बोर्ड्स में।
चलो। आप लोग बाहर जाओ। इधर आओ। बैठो। अंबेडकर नगर बस्ती, यहीं रहते हैं ना तुम्हारा बेटा बुलबुल कुमार और पत्नी राधिका? क्यों किया तुम ये चोरी और क्यों छुपा रहे हो? बैठो। हमने ही गलती है सब साहेब, सब बर्बाद कर दिए। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हमने औकात से बड़ा सपना देख लिया हजू ऑल इंडिया स्कूल में पढ़ाने का। पार नहीं लगता था साहेब, तो कर्जा का पहाड़ खड़ा हो गया। खत्म कर दिया अपना बच्चा का लाइफ। बुलबुल को पता चल गया तो आपको कभी माफ नहीं करेगा ओ साहिब। इससे पहले कि उसको पता चल जाए आपको फांसी पे चढ़ा दीजिए, आपको जहर दिलवा दीजिए। तुमने बच्चे के लिए किया मगर गलत किया। और ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश मीडियम से ही लोग आगे निकलते हैं, सरकारी स्कूल और स्टेट बोर्ड से भी लोग अच्छा रिजल्ट करते हैं, सफल भी होते हैं। और मौका नहीं मिलता है ना साहेब। ओ हमरे उस्मान भाई कॉलेज पास करके कुछ नहीं हुआ, वो किताब बेचते हैं साहेब सेकंड हैंड। हो सकता है उन्हें सही रास्ता ना मिला, लेकिन हमें देखो, हम भी अपने गांव के स्कूल में पढ़े हैं। तुमने भले ही बच्चे के लिए किया हो, लेकिन है तो गलत ही। कोर्ट से रियायत की बात भी करें तो भी सजा तो तुम्हें मिलेगी। उसका कोई बात नहीं है हजूर, कोई बात नहीं है हजूर। हम हर सजा भोगने को तैयार है, बस बोर्ड तक बुलबुल को पता नहीं चलना चाहिए साहब। वो पता नहीं चलना चाहिए साहब। वो हम चुपचाप हम सजा काट लेंगे साहब। माफी के भी लायक नहीं रहे अब तो। तीन दिन में बुलेट परीक्षा है और बुलबुल को एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। पुराना बुलेट भी नहीं बैठ सकता है, फॉर्म ही नहीं भरा, क्या करेंगे? सब गलती हमारा है, सारा दोष हमारा है। बापू चुप रहो, बस कोसना बंद करो अपने आप को। आपने गलती की, चोरी किया और आपने उसे कबूल किया।
उसकी सजा भी भुगत रहे हो, मगर आपने ये सब मेरे लिए किया, मेरी जिंदगी बनाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए किया। बचपन से लेकर आज तक आप हमारे लिए ही करते रहे। खुद पढ़े लिखे नहीं थे, मगर हमारे लिए किताबें बटोर के लाते रहे। आज मैं जो भी हूं आप दोनों की वजह से हूं। दुनिया चाहे जो भी बोले बापू, आपसे बढ़ के कोई बाप नहीं हो सकता। फैसला सफाई इंटरनेशनल स्कूल की बोर्ड मीटिंग में किया जा रहा है। उसके पिता रिक्शा चालक बुच्ची पासवान के चोरी के अपराध में जेल जाने के साथ ही स्कूल मैनेजमेंट पर बुलबुल कुमार के एडमिट कार्ड को रद्द करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। शायद आप लोग समझ नहीं रहे, बुलबुल कुमार ने अपने क्लास में टॉप करने के साथ बाकी बच्चों को भी इंस्पायर किया है। क्लास का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। मैम, बोर्ड का फैसला आपको मिल चुका है। न्याय नीति असूलों की बात तो बुलबुल कुमार के फादर को सोचना चाहिए था अपराध करने से पहले। उसे स्कूल में एडमिशन देके हमने जो गलती किया है उसे आज सुधारने का मौका है। हम अपने इस महान इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन को बचा सकते हैं उसका एडमिट कार्ड कैंसिल करके। ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि हमारा स्कूल क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं करता। कैंसिल के लिए अरे किस किस को जवाब देंगे? उसे बुलाने की और बात करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोर्ड का डिसीजन उसे मुझे बहुत अफसोस है बुलबुल कि स्कूल बोर्ड का निर्णय तुम्हारे खिलाफ है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि तुम्हें बोर्ड की परीक्षा में बैठने दिया जाए। क्या इसीलिए कि मेरे पिताजी चोर हैं? ऑफ कोर्स, और ये आरोप कोर्ट में सिद्ध हो चुका है। वो तो जेल में अपने अपराध की सजा काट रहे हैं, मगर हमें किस अपराध की सजा मिल रही है? तुम्हारी पढ़ाई चोरी के पैसों से हो रही है और ये क्राइम है। बट सर, हमने तो अपने पढ़ाई में कभी चोरी नहीं की। सच्चाई और मेहनत से तैयारी की और सारी परीक्षा पूरी ईमानदारी से दी। आप चाहे तो हमारे किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। और सर, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मेरे पिताजी ने चोरी क्यों की। सर, दिन रात वो रिक्शा खींचते थे, मेरी माँ के हाथ खून खून हो जाते थे फैक्ट्री में खट खट के, मगर फिर भी वो लोग नहीं जुटा पाते थे स्कूल की फीस और खर्चा, तो पूरा करने के लिए चोरी करते थे। ये उनकी मजबूरी थी। आप प्लीज मुझे इस परीक्षा में बैठने से मत रोकिए। ये स्कूल हमारे लिए भी महान है सर, सब कुछ यहीं से मिला है, मौका मिला है, जिंदगी में आगे बढ़ना भी यहीं से सीखा है। अब समय आया है स्कूल के लिए कुछ करने का। सर, टॉपर हूं मैं अपने क्लास का, बोर्ड में अपने महान स्कूल का नाम ऊपर लाऊंगा। ये परीक्षा मत छीनिए हमसे।
जाओ तैयारी करो, कोई नहीं रोक सकता तुमको, अभी परीक्षा भी नहीं। Congratulations. Thank you, madam. तुम लोगों को भी बहुत बहुत congratulations. Thank you, ma'am.